साइला में चल रहे बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। साइला कस्बे के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे 6 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का प्रधानाचार्य लहरी राम व थानाधिकारी ध्रुव प्रसाद की मौजूदगी में समापन हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों के समक्ष प्रशिक्षक महिला कांस्टेबल सुशीला ने 6 दिवसीय बालिकाओं को दिए गए प्रशिक्षण की जानकारी देते हुए प्रशिक्षण में बालिकाओं को हाथों से पंच मारने, पैरों से हमला करने, गर्दन मोड़ने, नीचे पटकने, गला दबाने, मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल करने सहित कई प्रकार के गुरों का प्रदर्शन छात्राओं द्वारा करवाया गया। थानाधिकारी ध्रुव प्रसाद ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के साथ उस पर होने वाले अपराध से रक्षा करना ये इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। वहीं कहा कि प्रशिक्षण में सीखे गए आत्मरक्षा के गुरों को जीवन में उतार कर नियमित अभ्यास करते रहने को कहा और जिससे ये गुर कठिनाइयों के समय काम आ सके। वहीं सुरक्षा सखी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रधानाचार्य ने कहा कि आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेने के बाद बालिकाओं के हौसले बुलंद होंगे। इस दौरान शारीरिक शिक्षक गौरी कच्छप, अध्यापिका मीना, मंजू, संगीता, विमला, अध्यापक तिलोकाराम, राजवीर सिंह, कुंपाराम, राजेश कुमार व कांस्टेबल महेश कुमार सहित बालिकाएं मौजूद थी। सामने वाला कितना भी पावरफुल है लेकिन आपको उसे भिड़ना है और आवाज के साथ में, आवाज जोर से बुलंद होती है तो सामने वाले का मोरल डाउन हो जाता है, आदमी डर जाता है, ठीक है ना। इसलिए आवाज के साथ में इसको, ये जो पंच वगैरह है, जो मार मार है, इसकी चलाई जाती है। आप अपने आप को कमजोर ना माने, जितने भी अपन देखते हैं हमारे जो देवी देवता है उनमें देवियाँ हैं, वो सब शक्ति का रूप है, चाहे माता हो, माया हो, जो भी है, सारी वो सारी शक्ति है। तो आप भी एक शक्ति का रूप है, इसलिए अपने आप को कमजोर नहीं माने। सामने वाला कैसा भी हो उससे अकेले तो गिर जाए और उसको धूल चटाए, इसकी आप प्रैक्टिस करते रहना। ये यूट्यूब पे आप जाओगे खूब वीडियो मिलेंगे सेल्फ डिफेंस के, पुलिस के भी मिल जाएंगे, दूसरे के मिल जाएंगे, सभी के घर पे मोबाइल है, फोन है, उस पर आप वीडियो देखते रहना। उससे आपको नई 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 ट्रिक्स वगैरह मिलेंगे कैसे, और प्रैक्टिस करते रहना। ये तो चलो ट्रेनिंग 6 दिन हो गई, अभी हम चले जाएंगे, लेकिन आप आपस में भी इसको प्रैक्टिस को घर पे या स्कूल में शाम के टाइम या सुबह के टाइम, जब भी फ्री टाइम हो, खेल के टाइम, इसको करते रहना। इससे क्या है कि आपके इनकम आदत में आ जाएगा और ये जीवन में एक काम आने वाली चीज़ है, और आप इसको और भी बच्चियों को सिखाएं और अपने घर में भी सिखाएं, सबको सिखाएं। मैं आपके अंतिम शुभकामना देता हूँ। जिले में पुलिस द्वारा बालिकाओं द्वारा अपने आत्मरक्षा कैसे की जाए उसकी हमारे पहले पुलिस की जो महिला कर्मी को ट्रेनिंग दी गई, जालों में और लाइन में ट्रेनिंग दी हमारे दसानों की लड़कियों को, और इन्होंने आपको सिखाया। आज का समय में महिलाओं पे, बच्चियों पे बहुत अत्याचार बढ़ गया, कई असामाजिक कर्म समाज वगैरह, ये आए दिन मार्केट में या स्कूलों में उनके बच्चों से पैसा करना, तंग करना, परेशान करना, मारपीट करना, इस टाइप की घटनाएं आए दिन होती रहती है। तो इससे मुकाबला कैसे करें, इसके लिए बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए, यानी आत्मरक्षा की, खुद की रक्षा कैसे की जाए। यदि आपको कुछ तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, यदि किसी से आपका सामना हो भी जाए तो आप अपना बचाव कैसे करोगे और सामने वाले को कैसे पछाड़ोगे, उसके लिए ये आपको कुछ अभी 5-6 दिन ट्रिक्स वगैरह दी, उसमें काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। Max